नमस्कार, मैं राम भारद्वाज आप सबका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन, जो प्रीवियस सेट में जितने जो नायब तहसीलदार का जो टेस्ट हुआ था उसके जो क्वेश्चन पेपर है उसके ये 20 क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पश्चिम में किसने विधानसभाओं की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, देवव्रत का शिक्षा कार्यक्रम घटाकर कितना किया गया? तो ये 6 वर्ष का किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण का प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे था? तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए कनिंगम। तो अगला क्वेश्चन है, किसने स्त्रियों की स्तर सुधारने के लिए 1899 में पंजाब के मोगा में सह शिक्षा विद्यालय खोला? तो ये जो शिक्षा सह विद्यालय खोला ये देव समाज ने, इसका ऑप्शन जो 4 है वो सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3, हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने समाज परिवर्तन के लिए कौन सा सुधार आवश्यक नहीं समझा? पहला ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता, वर्ण व्यवस्था की समाप्ति, स्वदेशी अपरिष्टता की समाप्ति। तो उसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, वर्ण व्यवस्था की स्थापना, जो हिंदू धर्म में जो 4 वर्णों में वर्गों में विभाजित हुआ है, तो जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, तो उसकी समाप्ति करें। इसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने कोई जो भी निर्णय नहीं लिया और कोई इसका जो भी आवश्यक नहीं समझा था। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, बी कुरियन, को इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में किसान क्रेडिट योजना कब शुरू की गई? तो ये किसान क्रेडिट योजना जो है ऑप्शन नंबर 2, 1998 और 99 में ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस उद्योग नीति द्वारा लघु उद्योग की अवधारणा रखी थी? तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। तो आरबीआई द्वारा कौन सी दर निर्धारित नहीं की जाती? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर 3, ये PLR जो RBI द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन तथा किसानों समर्थन कीमतों का कौन सुझाता है, कौन देता है? जो भी आपको अभी हाल ही में किसान आंदोलन वगैरह हुए तो उनके बारे में जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में आते और ये पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, जो कृषि लागत व कीमत आयोग, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नीति कब लागू की गई? तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो जनगणना होती है वो हर वर्ष हर 10 वर्ष के बाद की जाती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, अब 2021 में होगी, उसके बाद 2031 में, 2041 में, 2051 में। तो जो जनसंख्या नीति है, ये भारत की जो जनसंख्या नीति है वो 15 फरवरी 2000 को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में छुपी बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में के किस क्षेत्र में छुपी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है इसका 1, कृषि। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 कृषि सही है। तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एक अश शक्ति बराबर है, तो ये कितने वाट के बराबर है? तो ये 746 वाट के बराबर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिकी की खोज किसने की थी? तो जो कोशिका की नाभिकी की खोज की थी, इसका जो ऑप्शन है वो है रॉबर्ट ब्राउन है, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूल चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये त्रिशूल चोटी है जी उत्तराखंड में स्थित है।
रामसर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो इसका नंबर ऑप्शन रामसर सम्मेलन है, ये ईरान में आयोजित किया गया था। केरबा मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो केरबा मिट्टी है, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन चार जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया आपदा त्वरित सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बैंकॉक में स्थित है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। कांगड़ा में मस्जिद किस मुगल सम्राट ने बनाई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो ऑप्शन नंबर इसका टू है जहांगीर, तो ये जहांगीर का जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है। तो अगला क्वेश्चन है, बेटी अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब लागू की गई? तो बेटी अनमोल ये योजना हिमाचल में जुलाई 2010 में लागू की गई थी। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नॉलेज बढ़ेगा लोगों का। धन्यवाद, जय हिंद।